है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शाब्दी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी जानकारी, यूपी में डेल्टा प्लस का खतरा टल चुका है। यूपी में एंट्री नहीं कर पाया डेल्टा प्लस वेरिएंट, डीजी हेल्थ ने इस बात की जानकारी दी है। यूपी के कई जिले किए गए हैं चिन्हित, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहाँ पर डीजी हेल्थ ने ये जानकारी दी है यूपी में डेल्टा प्लस वेरियंट की पुष्टि नहीं हुई है। यूपी के कई जिले चिन्हित किए गए हैं, बड़ी जानकारी इस वक्त की, सैंपलों की जांच में कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू करा दे, जहां पर 550 लोगों का लिया गया था सैंपल, सैंपलों की जांच में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की यूपी से, यूपी में एंट्री नहीं कर पाया डेल्टा प्लस वेरियंट, और डीजी हेल्थ ने इस बात की जानकारी दी है। कुछ लोगों के सैंपल लिए गए थे जिनमें से सैंपलों में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। यूपी के कई जिले चिन्हित किए गए हैं और बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां पर डेल्टा प्लस का खतरा फिलहाल के लिए टल गया है। यूपी में डेल्टा प्लस वेरिएंट एंट्री नहीं कर पाया और यूपी में फिलहाल डेल्टा प्लस की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, डीजी हेल्थ ने इस बात की जानकारी दी। बता दें करीब 550 लोगों का सैंपल लिया गया था और इस सैंपलों की जांच में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि नहीं हो पाई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, अहम जानकारी, यूपी के कई जिले चिन्हित किए गए थे और सैंपल भी लिए गए थे, हालांकि सैंपलों की जांच के बाद इन सभी सैंपलों में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल यूपी में डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा टला हुआ है, क्योंकि यूपी में डेल्टा प्लस वेरिएंट को की पुष्टि नहीं हो पाई है। डीजी हेल्थ ने इस बात की जानकारी दी, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। यहाँ पर सैंपलों की जांच में पुष्टि नहीं हो पाई है। यूपी के कई जिले चिन्हित किए गए थे, करीब 550 लोगों का सैंपल भी लिया गया था, हालांकि इन सैंपलों की जांच में सैंपलों में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि नहीं हो पाई है। डीजी हेल्थ ने इस बात को लेकर जानकारी दी है कि यूपी में फिलहाल डेल्टा प्लस वेरिएंट की कोई भी केसेस नहीं आए हैं, तो फिलहाल लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को सतर्क रहना बेहद ही जरूरी है। इसके साथ ही लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि फिलहाल डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लापरवाही कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी में डाल सकती है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि पहले यह कहा जा रहा था कि यूपी में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दस्तक दे दी, हालांकि अभी जांच के बाद यह पता चला है कि जो सैंपल लिए गए थे उनमें इसकी पुष्टि नहीं हुई, क्या कुछ पूरी जानकारी है? संक्रामक ये डेल्टा प्लस की जो जानकारी आई उससे उत्तर प्रदेश में लोगों में बेचैनी थी, लेकिन एक बड़ी राहत की बात यह है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के 55 जिलों को आइडेंटिफाई सरकार ने किया था, और उन जिलों को जहां पे लोगों का आवागमन अधिक होता है, देश विदेश से लोग आते हैं, तो सरकार को कहीं ना कहीं लग रहा था कि इन जिलों में एक बार सैंपल लिए जाए तो संभवतः जानकारी मिले कि डेल्टा प्लस है कि नहीं है, क्योंकि बाहर से लोग आवागमन करते हैं। 55 जिलों में प्रत्येक जिले से 10-10 सैंपल लिए गए थे और 550 सैंपल लिए गए। इन सैंपलों पे अभी हालांकि जांच के बाद जो जानकारी आई है इसमें डेल्टा प्लस की सैंपल पुष्टि नहीं हुई है। ये एक बड़ी राहत वाली बात होगी, क्योंकि इसको डीजी हेल्थ डॉक्टर देवेंद्र नेगी ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में अभी कोई भी किसी भी जिले में डेल्टा प्लस की पुष्टि नहीं हुई, यानी कि उत्तर प्रदेश में अभी संक्रमण डेल्टा प्लस नहीं घुस पाया है। ये एक बड़ी राहत होगी। और दूसरी तरफ एक डेल्टा प्लस से निपटने के लिए, चूंकि उत्तर प्रदेश में अभी तक डेल्टा प्लस के संदिग्ध सैंपल लिए जाते थे तो हैदराबाद या दिल्ली ही भेजे जाते थे, उसको लेके सरकार ने अलर्ट जारी किया था और उसको लेके कार्य जो किए हैं उसमें 11 जनपद ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पे अब डेल्टा प्लस के सैंपल यदि जाएंगे तो तुरंत उसमें जांच रिपोर्ट पे पता लग जाएगा कि स्थिति क्या है। तो डेल्टा प्लस की जितनी भी तैयारियां हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो या फिर अन्य चीजों को लेके या सैंपल की जांचों को लेके, ये सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। कहीं ना कहीं जो तीसरी लहर है उसके खतरे को भांपते हुए सरकार कोई भी खतरा मोल लेना नहीं चाहती है, क्योंकि बच्चों का मामला है, देश के भविष्य में बच्चे, और उत्तर प्रदेश में जो 42% के आसपास बच्चों को संक्रमण होने की खतरा है, क्योंकि ये वैज्ञानिकों की माने, विशेषज्ञों की माने, तो उनका साफ कहना है कि यदि कोई वेरिएंट, नया वेरिएंट उत्तर प्रदेश या देश में आता है तभी तीसरी लहर संभव है, अन्यथा तीसरी लहर की आशंका कम नजर आ रही है। उसको लेकर सरकार ने इस प्रकार की तैयारी भी की है और जो जांच रिपोर्ट आई है वास्तव में उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी राहत लेके आई है।
बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि फिलहाल तो डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा जो है वो टल गया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये खतरा आगे ना हो। इसको लेकर सरकार प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से हमने देखा कि बाहर से आए हुए लोग जो राज्य में आ रहे हैं उनका टेस्ट किया जा रहा है, सैंपल लिया जा रहा है डेल्टा प्लस वेरिएंट के टेस्ट के लिए, तो ऐसे में आने वाले समय में प्रशासन और सरकार की तरफ से कुछ अलग तैयारियां? देखिए श्रावणी, चूंकि उत्तर प्रदेश में भी संक्रमण बरकरार है कोरोना का, और उसको लेके यदि सरकार की तैयारी की बात करें तो सरकार ने डेल्टा प्लस को अलर्ट को देखते हुए जितने भी उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डे हैं जो यात्री आ रहे हैं प्लेन के माध्यम से, वहां पे उनकी स्कैनिंग की जा रही, चेक किए जा रहे हैं, उनके यदि संदिग्ध पाया जा रहा है सैंपल लिए जा रहे हैं। वही स्थिति बसों के माध्यम से, वही ट्रेनों के माध्यम से है, यहाँ तक की जो उत्तर प्रदेश में यदि संदिग्ध व्यक्ति पाया जाता है, लगता है कि इसको कहीं डेल्टा प्लस का कोई संक्रमण न हो, उसको लेके भी अलर्ट जारी कर दिया गया। और जो भी गाइडलाइन है वो अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आखिरकार यहाँ पे किसी प्रकार की कोई झील न दी जाए। तो ये चीजें सामने चल रही हैं और उसको लेके सरकार पूरा अलर्ट नजर आ रही है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो जिला अस्पताल हो, चाहे वो सीएससी सेंटर हो, उन पे बड़े पैमाने पे तैयारियां की गई है, और यही कारण है कि डेल्टा प्लस से निकटने के लिए सरकार पूर्ण रूप से अलर्ट नजर आ रही है। बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।